Hello students, today we will learn about the limitations of the Mendeley periodic table. आज हम limitations of Mendeley periodic table के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या वो limitations थी Mendeley के periodic table में जिस वजह से वो Mendeley के periodic table discard कर दी गई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस वजह से हमें new और modern periodic table बनाने की ज़रूरत पड़ी. The first and the main point is that position of hydrogen. जो हमारा main point था वो था position of hydrogen. अगर हम hydrogen की position की बात करें तो position of hydrogen in the periodic table is uncertain. It means कि hydrogen जो हमारा element है इसको periodic table में एक certain position नहीं मिल पाई. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पोजीशन हाइड्रोजन को मिलनी चाहिए थी वो पोजीशन हाइड्रोजन को नहीं मिल पाई. क्या बेसिक इसका रीज़न रहा उसके बारे में हम पढ़ते हैं. इट हैज़ बीन प्लेस्ड, और उसको कहाँ पर प्लेस कर दिया गया. इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ 1A ग्रुप विद द एल्कली मेटल्स, और उसको हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया गया. बट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन resembles those of halogens. लेकिन हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी थी जो वो resemble करता था with the halogens, मतलब जो कि बिल्कुल similar थी किसके साथ, halogens के साथ. Like we have a halogens. अगर हम halogens की बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं हेलोजन फैमिली के. और जैसे हम हेलोजन फैमिली के बारे में जानते हैं, सो द एलिमेंट्स ऑफ द हेलोजन फैमिली आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. इट मींस ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोनेगेटिव और एनायन बना देते हैं. सिमिलरली ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये भी कुछ केसेस में बिल्कुल रिजेंबल करता है लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोजन्स, और ये क्या बनाएगा, H नेगेटिव आयन. इट इज़ अ हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्राइड आयन बना देता है. हम इसके लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल Na के साथ कंबाइन होकर के जो हमारा क्लोरीन है वो NaCl बनाता है, जहाँ पर Na ने मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. तो ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और एक हमारा कंपाउंड बन जाता है, दैट इज़ अ NaCl. सिमिलरली हाइड्रोजन भी यहाँ पर हैलोजन्स की ही तरह से प्रॉपर्टी शो करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और सोडियम हाइड्राइड बना देता है. सो हम ये कह सकते हैं हम कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई भी एक सर्टेन पोजीशन नहीं मिल पाई, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के साथ और हैलोजन मेटल्स के साथ, दोनों हैलोजन एलिमेंट्स के साथ, दोनों के साथ रिजेंबल करती हैं. सो इट मे बी प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ द हैलोजन्स एज वेल, इसीलिए इसको हैलोजन्स के ग्रुप में भी रखा जाना चाहिए था. इट मे बी प्लेस्ड, उसको हम रख सकते थे, लेकिन हमने उनको सिर्फ किस ग्रुप में रखा, एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बना कि जो कि लिमिटेशंस ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में रहा. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. इट मींस जो आइसोटोप्स थे वो किस टाइप से एक पॉइंट ऑफ लिमिटेशन बने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के लिए. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आइसोटोप्स होते क्या हैं, किनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. सो द आइसोटोप्स आर द एटम्स. आइसोटोप्स हमारे वो एटम्स हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के वो एटम्स हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मासेस, कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मासेस
वाले एटम्स अगर पॉसिबल हैं, सो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पॉइंट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव क्लासिफिकेशन, मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दीज शुड बी प्लेस्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस। इट मींस अब क्योंकि मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन का जो मेन लॉजिक था, जो मेन लॉ था कि उसने अपने एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेस किया था। बट अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो यहाँ पर तो ये कहता है कि सेम एलिमेंट के ही हमारे पास अलग अलग एटॉमिक मासेस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स को रखने के लिए एक अलग अलग प्लेस चाहिएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हाइड्रोजन आइसोटोप्स विद एटॉमिक मासेस 1, 2 एंड 3, कि जो हमारा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है उसके कितने कितने मास है। फर्स्ट इज अ वो एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3, तीनों में एग्जिस्ट करता है हमारा हाइड्रोजन। तो इट मींस इट शुड बी प्लेस्ड एट द डिफरेंट 3 प्लेसेस। इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इसको 3 जगह रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसको एक ही जगह रखा गया। सो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन का एक पॉइंट बना कि हम आइसोटोप्स की पोजीशन को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेस नहीं कर पाए। हाउएवर आइसोटोप्स हैव नॉट बीन गिवन सेपरेट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। इट मींस आइसोटोप्स को सेपरेट प्लेस नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के कारण। द नेक्स्ट मेन पॉइंट ऑफ द लिमिटेशन इज द एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट। इट मीन इसका क्या मीनिंग था। इसका ये मीनिंग हुआ कि कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास, किसी का एटॉमिक मास ज्यादा है तो हमने उसको एक कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रख दिया। जब क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट को बिल्कुल एक तरह से सिमिलर थी। तो ये कुछ ऐसे पेयर बने जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि कुछ पेयर्स को मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जगह नहीं मिली। इन सर्टेन पेयर ऑफ द एलिमेंट वी हैव कुछ पेयर ऑफ द एलिमेंट, सर्टेन पेयर ऑफ द एलिमेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस वाज नॉट ओबेड। इट मींस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास है वो ओबे नहीं हो पाया। इन दीज इसमें से मेंडेलीव प्लेस द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। इस हिसाब से जो मेंडेलीव है उसने क्या किया, प्लेस किए एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज, उनके सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग इन देयर प्रॉपर्टीज। उसने जब उसने देखा कि भाई एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे अगर एलिमेंट्स जो हैं उनको हम नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो उसने क्या किया, जो सिमिलैरिटीज वाला लॉ था उसको फॉलो करते हुए, उसको ओबे करते हुए उसने कुछ एलिमेंट्स को प्लेस द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज एंड नॉट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उसने उनको सिमिलैरिटीज के बेसिस पे रख दिया और ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास जो था वो वहाँ पर ओबे नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चीज़ का हम एग्जाम्पल लें, इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक मास ऑफ द आर्गन, जो आर्गन एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है जी, 39.9, एंड दैट ऑफ द पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है, 39.1। बट आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर द पोटेशियम इन द पीरियोडिक टेबल, लेकिन आर्गन को पोटेशियम से पहले ही प्लेस कर दिया गया पीरियोडिक टेबल में। ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसका एटॉमिक, उसकी जो
सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो इनर्ट गैस के साथ थी। सो इसीलिए मेंडेलीव्स का ये एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया।